मैंने यहाँ ज्वाइन करते ही विद इन वीक जैसे मैंने ये काम किया, उसके बाद लगभग हमने 10 मोबाइल फ़ोन रिकवर कर लिए हैं। लगभग हमारे पास जो इनपुट्स है अंदर से काफ़ी कई मोबाइल फ़ोन जो है अंगीठियों में जला दिए गए हैं। तो अंगीठियों में जलाने के बाद बल्कि एक दो फ़ोनों की मैंने वो जो है रॉम जो मटेरियल होता है जला हुआ उसको भी रिकवर किया है, देखा है। तो ये लगभग 11 बैटरी जो है मिली है, कई दबे हुए भी हमने निकाले हैं जो इन्होंने दबा दिए गए थे ताकि प्रेशर ना आए इन पे, इंटरोगेशन ना हो सके इनकी प्रॉपर। तो और 7 डाटा केबल हैं, चार्जर हैं, 10 ईयरफोन में लगाने वाली लीड हैं। तो काफ़ी फ़ोन और जो ये चीज़ें हैं एक बार हमने रिकवर कर ली है, आगे भी इसी तरह करते रहेंगे हम। इस मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ना ही किसी का प्रेशर है कि नशा और फ़ोन और एक्सटॉर्शन इन द सेंस न्यू जो भी है नया कोई प्रिजनर आता है तो अंदर जो हार्डकोर या गैंगस्टर लोग होते हैं उसको प्रेशराइज करते हैं। अगर वो उसके घर से या कोई और तरीके से वो वैसे वैसे कि ऐसा नहीं चलने देंगे, यहाँ अम्बाला जेल में ऐसा नहीं होगा। देखो अब मैंने इस जेल में आते ही जो अकॉर्डिंग टू रूल है जो इंस्ट्रक्शंस हैं हेड ऑफिस की हर बंदी को उसके हिसाब से मैंने शिफ्ट कर दिया है। जो हॉस्पिटलाइज कई दिनों से जो एडमिट थे उनको भी मैंने डॉक्टर साहब से पूछा भाई अगर डॉक्टर साहब आपको लगता है ये पेशेंट है तो रखो अदरवाइज डिस्चार्ज करो। तो VIP ट्रीटमेंट किसी को नहीं मिलेगा, एज पर नॉर्म्स एज पर रूल्स जो अकॉर्डिंग टू मैनुअल जो चीज़ें होंगी सारी फैसिलिटी मिलेंगी। That's all. जो हॉस्पिटल में एडमिट थे वो वापस बुलाएंगे? हाँ हॉस्पिटल में कुछ थे 6-7 ऐसे पेशेंट काफ़ी टाइम से थे और उनको डॉक्टर ने रखा हुआ था, क्या वजह थी अब डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी ज़रूरत नहीं है इनके हॉस्पिटल में, काफ़ी लंबे समय से ट्रीटमेंट चल रहा है, नॉर्मल सा ट्रीटमेंट वो दे रहे थे, कुछ BP की। मैंने कहा अगर आपको लगता है डॉक्टर साहब कि नॉर्मल रहेंगे तो शिफ्ट करो इनको ब्लॉक से, तो डॉक्टर साहब ने उनको डिस्चार्ज करके जहाँ उनका रूल के हिसाब से ब्लॉक है वहाँ चले गए वो। तो इस तरह की घटनाएं ना हों इसके लिए क्या किया जा रहा है? देखो जेल में अभी इन सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिस भी किसी कर्मचारी का या अधिकारी का कोई रोल मिल गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।